गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी क्लास 5th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 प्लांट रिप्रोडक्शन। हमने पिछले पार्ट में रीड किया था रिप्रोडक्शन, डेफिनेशन रीड की थी। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा बाय विच एन ऑर्गेनिज्म एक जीव अपने जैसे ही न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होगी, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल। फिर हमने देखा था कि जो प्लांट का रिप्रोडक्शन है उसमें प्लांट्स जो न्यू प्लांट्स में ग्रो करते हैं वो शीड्स के थ्रू करते हैं। कुछ शीड्स बिग होते हैं, कुछ शीड स्मॉल होते हैं, कुछ शीड्स ऐसे होते हैं जो कि एयर वाटर वार्मथ नहीं मिलने पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कुछ सीड ग्रो करते हैं न्यू प्लांट में। जैसे ही छोटा जो सीड है उसमें जो छोटा सा प्लांट निकलता है उसको क्या कहते हैं हम, बेबी प्लांट। उसके बाद हमने शीड का स्ट्रक्चर भी रीड किया था। हमने शीड के स्ट्रक्चर में रीड किया था शीड्स के 3 पार्ट्स हैं, शीड कोट जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है, कोटिलिडियन जिसके अंदर की फूड स्टोर रहता है, और शीड लीव्स। अब देखिए जिस प्लांट के अंदर, जिस शीड के अंदर एक लीफ होती है उसको कहते हैं मोनोकॉट, और जिसके अंदर शीड लीफ 2 होती है उसको कहते हैं डाइकॉट। नेक्स्ट आज हम जर्मिनेशन रीड करेंगे। जर्मिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ए सीड डेवलपिंग इनटू ए न्यू प्लांट। सीड का न्यू प्लांट में डेवलप होना ही क्या कहलाता है, जर्मिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ए सीड डेवलपिंग इनटू ए न्यू प्लांट, न्यू प्लांट में किसी भी सीड का ग्रो होना ही जर्मिनेशन कहलाता है। आप सबको पता है प्लांट्स किससे ग्रो करते हैं, शीड्स से करते हैं। जैसे ही शीड्स न्यू प्लांट में ग्रो होगा वो प्रोसेस कहलाएगा जर्मिनेशन। पहले तो क्या होगा, हम शीड्स को बोएंगे, वो फूलेगा, उसको वाटर भी मिलेगा, एयर भी मिलेगी, वार्मथ मिलेगी, और वो फूलेगा। फूलेगा तो क्या होगा, उसमें से न्यू बेबी प्लांट बाहर आएगा। अब जैसे जैसे जर्मिनेशन प्रोसेस होगा, ड्यूरिंग जर्मिनेशन व्हेन सीड रिसीव्स एडिक्वेट वाटर, एडिक्वेट यानी निश्चित मात्रा में, इट स्वेल्स, फूलेगा, लीडिंग टू द ब्रस्टिंग ऑफ इट्स सीड कोट। क्या होगा, इसकी सीड कोट ब्रस्ट हो जाएगी क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है ना सीड को, एंड गिव्स राइज टू द बेबी प्लांट। इनसाइड द सीड द डेवलपिंग एम्ब्रायो गेट्स इट्स फूड फ्रॉम कॉटिलिडियंस। हमने जब स्ट्रक्चर रीड किया था तो कॉटिलिडियंस में क्या था, फूड स्टोर है। कॉटिलिडियंस में प्लांट के लिए फूड स्टोर रहता है जब तक कि वो न्यू प्लांट में ग्रो नहीं करता, यंग प्लांट में ग्रो नहीं करता। तो उसको फूड कहाँ से मिलेगा, ग्राउंड की तरफ है, पर शूट सिस्टम ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। द ग्रोइंग हुक शेप्ड शूट स्ट्रेटन यानी कि स्ट्रेट होगा और पुश करेगा कॉटिलिडियन को ग्राउंड के ऊपर, यानी कि ऊपर की साइड में ग्रो करेगा। ग्रेजुअली द शूट इलोंगेटेड टू फॉर्म, ये जो शूट है वो इलोंगेटेड लंबा हो जाएगा, और स्टेम लीव्स ब्रांचेज इसी से ही बनेंगे। लास्ट के अंदर प्लांट का कॉटिलिडियंस हमें दिखाई नहीं देता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, द शूट इलोंगेटेड टू फॉर्म ए प्रॉपर स्टेम एंड इट्स लीव्स अनफोल्ड इवेंचुअली फॉलिंग ऑफ द कॉटिलिडियंस, क्योंकि वो क्या हो जाता है, कॉटिलिडियंस फॉल हो जाता है। फाइनली ए मैच्योर प्लांट डज नॉट शो द कॉटिलिडियंस। लास्ट के अंदर जब प्लांट ग्रो कर देता है तो कॉटिलिडियंस नहीं दिखेंगे क्योंकि वो श्रिंक हो जाएंगे, एस एच आर आई एन के, श्रिंक, सिकुड़ जाना, श्रिंक यानी सिकुड़ जाना, एस एच आर आई एन के, श्रिंक यानी सिकुड़ जाता है, एंड डिसअपीयर यानी दिखाई नहीं देता है विद द ग्रोथ ऑफ ए बेबी प्लांट। तो जर्मिनेशन क्या था, द प्रोसेस ऑफ ए सीड डेवलपिंग इनटू ए न्यू प्लांट। अब हमने क्या रीड किया कि सीड है, जैसे ही हम सीड को शो करेंगे, बोएंगे, तो उसको प्रॉपर वाटर एयर वार्मथ मिलेगी। जब वो प्रॉपर वाटर एयर वार्मथ मिनरल्स मिलेंगे तो वो सीड फूल जाएगा,
फूल जाएगा और उसमें से रूट बाहर आएगी। रूट बाहर आके कहाँ चली जाएगी, सॉइल के अंदर चली जाएगी और धीरे धीरे एक यंग प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। उसी प्रोसेस को हम शीडलिंग भी कहते हैं, SEEDLING, शीडलिंग क्या होता है, यंग प्लांट। जैसे ही यंग प्लांट ग्रो करता है उसका जो स्टेप है वो शीडलिंग कहलाएगा। शीडलिंग होता है यंग प्लांट, शीडलिंग क्या है, यंग प्लांट। When a seed gets all the febrile, it grows into a baby plant. A young plant, seedling क्या है, seedling है a young plant, a baby plant. Seedling क्या होता है, a young plant और a baby plant. तो germination process में हमने देखा जैसे ही seedling होती है तो root तो ground के नीचे की तरफ ग्रो करेगी। अब क्या होता है, जो कॉटिलेडियंस होता है वो इस शूट को अबव द ग्राउंड, यानी कि जो शूट सिस्टम है, शूट है, वो कॉटिलेडियंस को ऊपर की तरफ खींचेगा। जैसे ही ऊपर की तरफ खींचेगा तो इस पोर्शन से स्टेम और लीफ बनेंगे। जब न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा तो कॉटिलेडियंस हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो श्रिंक हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है जर्मिनेशन। क्या होता है, जर्मिनेशन। तो हमने रीड किया द प्रोसेस बाय विच सीड डेवलप्स इनटू ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब देखिए, आप जनरली ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, आपके घर के अंदर मूंग भिगोए जाते हैं। जब मूंग को हम वाटर के अंदर पूरी तरह से डिप कर देते हैं, भिगो देते हैं, एक दिन रखते हैं, उसके बाद हम उसको पानी अलग करके एक कपड़े के अंदर बांध देते हैं, तो आई थिंक 2 or 4 hours के बाद हम उसको ओपन करके देखते हैं तो मूंग में से छोटी छोटी सी पोर्शन निकल जाते हैं वाइट कलर के, देखा है ना आपने। तो ये क्या कहलाता है, ये ही जर्मिनेशन कहलाता है। आपके पेज नंबर 9 पे एक्टिविटी दे रखी है, सोक यानी भिगोना सम मूंग शीट्स को हम भिगोएंगे 6-7 hours तक। उसके बाद अगर हम उस मुस्लिन एक क्लॉथ है जिसमें से एयर पास आउट हो जाती है तो क्या होता है, जो ये मूंग शीट्स हैं उसमें वाइट कलर की रेशे निकल जाती है, उसको क्या कहते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट द मूंग शीट्स। जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, रूट। तो यही क्या है, जर्मिनेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ग्रोइंग प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने ही पार्ट स्टेम रूट लीव से न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अपने ही बॉडी के पार्ट्स स्टेम रूट और लीव से न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं। तो फर्स्ट तो देखो स्टेम में देखो रोज, हिबिस्कस, मनी प्लांट, पोटेटो, जिंजर, ओनियंस, ये सारे के सारे ये जो हैं ये स्टेम के थ्रू न्यू प्लांट में ग्रो करेंगे। जैसे आपने पोटेटो देखा है, पोटेटो के ऊपर एक आई बनी हुई रहती है, वाइट कलर की लेयर होती है, छोटी सी वाइट कलर का डॉट होता है, उसको कहते हैं आई ऑफ द पोटेटो। अगर उस पोटेटो का ये पोर्शन काट के न्यू प्लांट में हम उसको ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट रूट्स के अंदर स्वीट पोटेटो, डहलिया, कैरेट और रेडिश, ये एग्जांपल्स हैं। कैरेट आप सबने खाई है, रेडिश भी खाई है। अगर हम इनके टॉप के पोर्शन को कट करके ग्रो करेंगे तो ये भी न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि ये रूट उसी का पार्ट है, इसलिए हम बोल रहे हैं ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम रूट एंड लीव्स। लीव्स ब्रायोफिल्म ऐसा है जिसकी लीव कट करेंगे अगर उसके ऊपर बड बनी हुई एक छोटी सी लीफ के ऊपर उग जाती है, उसको काट के हम न्यू प्लांट में ग्रो करेंगे तो ब्रायोफिल्म का न्यू प्लांट हमें मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो प्लांट के ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि स्टेम रूट और लीव से न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। तो जर्मिनेशन पढ़ा हमने, जर्मिनेशन के बाद हमने कुछ प्लांट के पार्ट्स हैं एग्जांपल्स देखे हमने, जो पार्ट्स से ही न्यू प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके बुक के अंदर
सीड डिस्पर्सल है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टुडेज योर होमवर्क इज राइट क्वेश्चन नंबर 1 डेफिनेशंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन जो मैंने आपको वीडियो में आगे लिखवाई है. नेक्स्ट आपको बुक के अंदर पेज नंबर 8 बुक के अंदर पेज नंबर 8 स्ट्रक्चर दे रखा है. देखिए दिस वन स्ट्रक्चर ऑफ ए शेप. ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन की डिफाइन. सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए शीट और ओनली आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है. ये आपका होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन. सेकंड वन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए शीट. आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सीड डिस्पर्सल रीड करेंगे. थैंक यू.